show me the hashtag. Come on, everybody knows the sign. I mean, is this not how the Gram generation communicates? Totally, yeah. Yes, totally. Right? Yeah. Yeah. Kind of? Come on. Sub, totally, bote, totally. Hashtag this, yeah. Hashtag that. We rely on hashtags to label us, yes. Don't we? Yeah. Yeah. Of course. I mean, sub rely or depend karte hashtags ke upar, right? Forget your names now. We live by the hashtag. All right. आपको क्या लगता है कि ये हमने यहाँ क्यों रखे हैं? हम कपल्स को देने वाले हैं वो टैग. It might be a new necklace. That. Since it has like a round thing with it. Necklace तो बनेगा नहीं या कुछ और बन जाएगा. I'm sorry I even asked. Back. All right. जैसे कि मैंने पहले कहा कि कपल्स ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया थे फॉर देयर हार्ट्स आउट, क्योंकि हम लोग एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं द ग्राम जनरेशन, जहाँ पर एवरीथिंग इज़ आउट देयर एंड वी लेट पीपल वेल गिव अस देयर ओपिनियंस और देयर हैशटैग्स. सो हमने आपकी कहानियाँ सुनी, सिंगल्स ने भी आपकी कहानियाँ सुनी. हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, मोर इम्पोर्टेंटली हमारे सिंगल्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? Let's find out. It's okay. Like a live social media networking situation right yes. here. Navpreet, you are right. Absolutely. So this is how we're going to do this. पहले पांचों सिंगल लड़के एक साथ यहाँ आएंगे और अपनी चॉइस का एक एक हैशटैग चूज करेंगे, पिक करेंगे, एंड यू हैव टू चूज एट दैट सेम टाइम कि आप कौन से कपल को वो हैशटैग देना चाहते हैं. Once you've decided and you picked up your hashtag, आप वो hashtag की माला जो है वो अपने favorite couple को जिसको आप वो hashtag देना चाहते हैं वो जाके उनके गलों में डाल दें. Sounds fun. Are you ready, boys? Yeah. क्या हुआ, जज होने से घबरा रहा है? वो कोई चक्कर नहीं पड़ गया फिर भी. Goldie girls. And of course, हमारी जो beautiful single लड़कियां हैं उसके बाद आप भी वही करेंगे. That's right. All right. So one hashtag each and one couple each. All right, guys. आइए सब एक साथ. Come on. Hashtag choose कीजिए. Do it quickly. Once you're ready, let me know. आप सब एक साथ जाएंगे और अपने अपने favorite couples के ऊपर वो hashtags डाल दें. जल्दी. Don't go. Come on. चलिए. Okay, and go. Go. Give it to them. Baby, I'm worth it. Oh, it's a good movie. Too good to be real. Because it's been 7 years for you. Okay. Oh. Messed up. We are totally not messed up. Oh, gold digger, bro. Yeah. And messed up. Gold, I guess, too much. Too good to be true. Kiska hashtag hai? Why? Okay, ये 7 साल से साथ में हैं दोनों लोग, बट स्टिल कुछ गलत नहीं किया दोनों ने अभी तक. साथ में हैं और यहाँ पर आए हैं ठीक करने के लिए. So, still good, you know. Seriously, for me. To be real. Mm-hmm. Yeah. वो अलग थोड़ा सा. मेरा रिश्ता नहीं चला 7 साल आज तक तो. नहीं यार. It's a good thing. So is it so too good to be true? Usually इस तरह के hashtag, I mean इस explanation के साथ नहीं लगाए जाते. हाँ. Usually ऐसा होता ना कि यार ये इतने अच्छे कंपैटिबल हैं कि ये हो नहीं सकता. हाँ, वो फेक है. वो फेक है. वो ही हैशटैग मतलब है. ओके. तू इंजीनियरिंग करके क्यों खड़े हैं? आई डोंट नो. ओके. रीड योर्स आउट. इनसिक्योर किसने दिया? सो आई फील लाइक कि इनका जो रिलेशनशिप है ना इसमें इनसिक्योरिटी ज़्यादा है और उसी रीज़न की वजह से इनके बीच में क्लियर आउट नहीं हो पा रही हैं चीज़ें कि वो क्यों मैसेज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं. तो दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके बीच में अभी चल ही क्या रहा है. उनको खुद ही नहीं पता है वो इसको लेके इनसिक्योर है, वो इसको लेके है इस वक्त. तो मेरे को ही ऐसा लगा इनको देख. तो वो आपने फिर भव्या के ऊपर क्यों डाला? आप रितिका के ऊपर भी तो डाल सकते थे. क्योंकि एक्चुअली उसके ऊपर इसने एक ऑलरेडी डाल दिया था, तो मैंने सोचा एक और माला डाल देता. व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट दैट? बट आई वुड से कि इनसिक्योरिटीज हैं. आई डू एग्री कि मुझे इनसिक्योरिटी है,
बट हमारा ऐसा नहीं है कि वो पिछले 6 महीने से कलेश चल रहे हैं या लड़ाई चल रही है. इट्स जस्ट लाइक कि हाँ आज लड़ाई हुई बट कल हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ मैं भी समझती हूँ कि तूने इस रीजन से किया तो एवरीथिंग गोज वेल. सब सॉर्ट आउट उसी टाइम हो जाता है. जो थोड़ी सी लड़ाई है सिर्फ आई जस्ट वांट टू सॉर्ट कि इतनी भी लड़ाई ना हो.